लतीफ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया क्या है, इस पर बात करेंगे। बाबर खान हमारे साथ हैं, बाबर बताएगा इस बारे में। देखिए जी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि 15 जून की रात लतीफ जो एडवोकेट लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग हुई थी, उसका मुलजम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम मोहसन उर्फ लंबा, इसने इंकशाफ किया है कि उसने जुबैर खान नियाजी ने इसे कहा था कि इनके घर फायरिंग की जाए, और उनका यह कहना है इन्वेस्टिगेशन का कि अगला टारगेट एतजाज एहसन थे, क्योंकि मुलजम का यह कहना है कि वो जो बुकला और गवर्नमेंट में वोट पड़वाना चाहते थे ताकि इसलिए वहां पर फायरिंग की गई। मुलजम की तफ्तीश की जा रही है और मुलजम का यह कहना है कि उसे जुबैर खान नियाजी ने पैसे दिए थे जिसकी बिना पर उसने ये फायरिंग का वाकया किया। जब 9 मई के हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से बात की गई तो उनका यह कहना था कि तमाम तफ्तीश मेरिट पर की जा रही है, किसी से कोई ज्यादती नहीं हो रही। जब उनसे ये कहा गया कि जो अफराद जिनकी जमानतें हो रही हैं, क्या तफ्तीश नाटक की वजह से उनकी जमानतें हो रही हैं, तो उनका यह कहना था कि ये अदालत का काम है जमानतें लेना, हम ये जो भी तफ्तीश है वो मेरिट पर कर रहे हैं और आगे भी मेरिट पर तफ्तीश होगी। जी बहुत शुक्रिया बाबर खान आपका।